नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट महात्मा, क्रिप्टो की सही जानकारी यहीं पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएनबी पे टोकन के बारे में, जिसके ऊपर मुझे लगता है पूरे क्रिप्टो जगत के सबसे ज्यादा असर पड़ा है बिटमार्ट की हैकिंग का। और साथ ही साथ दोस्तों ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा, हमारे आपके सबके जवाब मिल जाएंगे कि हम लवली से क्या चाहते हैं। साइतामा की लिस्टिंग हो रही और आज साइतामा अपना 56% टोकन को बंद कर चुका है, तो ये भी वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों बीएनबी पे एक अच्छा टोकन है बट ये बिटमार्ट की हैकिंग का शिकार हुआ है, तो हम लोग बात करेंगे कि कितना ज्यादा वैल्यू इसकी हैक की गई यानी टोकन की। साथ ही साथ दोस्तों हम डिस्कस करेंगे बीएनबी पे के फ्यूचर प्लान को लेके, जो कि नाम तक चेंज कर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज कर दिया गया है, ये सब कुछ बहुत ज्यादा उठापटक हुई है, तो ब्लॉकचेन को भी चेंज करने की बात चल रही है, तो ये सारा कुछ हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए, चैनल को रिव्यू करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं या किस टोकन के बारे में। तो बस दोस्तों देर नहीं करते हैं, चलिए देखते हैं। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट फिर हाथ जोड़ के करता हूं कि अपने वॉलेट का एड्रेस एकदम मत दीजिए किसी को, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस समय हम लोग बीएनबी पे के ट्विटर हैंडल पर हैं और यहां पे देखिए बीएनबी पे पे बहुत बड़ी बड़ी अपडेट हुई है। पिछले 6 से 7 दिन जो थे बीएनबी पे के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं, और मुझे लगता है या कहें कि हम सबको लगता भी ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है जहां पे बिटमार्ट की हैकिंग में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है। जो बिटमार्ट की हैकिंग हुई थी उसकी वजह से क्या कहा गया है आप यहां पे देख सकते हो। डियर बीएनबी फैमिली, एज यू ऑल नो ट्रेडिंग विद बीएनबी पे हैज पॉज ड्यू टू द बिटमार्ट हैकिंग। कहने का मतलब यह है कि भैया हमने बीएनबी पे के बाय और सेल को हमने क्या किया है, पॉज कर दिया है। इनके साथ प्रॉब्लम यह आई, इनकी जो भी सप्लाई थी या जैसा भी ये लोग टोकन आपको अवेलेबल करा रहे थे उसी बिटमार्ट पे करा रहे थे, कहीं और टोकन ये लिस्ट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से बिटमार्ट की हैकिंग में इनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां पे आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूं आपको। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो कि इन्होंने पूरा नंबर मेंशन कर दिया कि 9.27 मिलियन का जो बीएनबी पे है वो बिटमार्ट से हैक किया गया है, अप्रोक्स 550,000 यूएस डॉलर है। तो यहां पे आप देखो कि विड्रॉ फ्रॉम द एक्सचेंज एंड वी हैव डिसाइड टू टेम्परेरी होल्ड द ट्रेडिंग ऑफ बीएनबी पे, इन्होंने कहा जैसे इन्हें पता चला इन्होंने क्या किया, पॉज कर दिया। अब वी आर होल्डिंग एन इमरजेंसी मीटिंग नाउ टू डिस्कस फॉर द नेक्स्ट स्टेप, तो इन्होंने कहा भैया कि हम जो अगला स्टेप है वो लेने वाले हैं। ये करीब 5 दिसंबर की बात है, आप देख रहे हो। अब यहाँ पे खेल शुरू होता है कि अब इनको करना क्या था, ये सब आप देख ही रहे हो कि कहाँ पे क्या हैकिंग चल रही थी, बिटमार्ट हैक हुआ है, 200 मिलियन का नुकसान हुआ है, तो ये सब तो चलता रहेगा। बट एक सबसे ज्यादा बड़ी बात ये रही, इस हैकिंग के टाइमिंग पे मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि खासकर बीएनबी पे के लिए, क्योंकि बीएनबी पे हमेशा दिसंबर में कुछ नया चेंज करने की बात करता है। उसके व्हाइट पेपर में ही ये बात लिखी गई है कि भैया नवंबर दिसंबर में हम कुछ डेवलपमेंट का काम करते हैं और ये हैकिंग भी सेम टाइम पे हुई है। पैनकेक स्वैप ने भी अपना डेटा डाला हुआ है, मेरे साथ भी ये घटना घटी थी कि भाई मुझसे भी कई, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि कॉन्टेक्ट एड्रेस का लोग मैसेज डाल के पूछते हैं, तो मैंने नहीं दिया, ना आप दीजिएगा। यहां पे देखिए बकायदा इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कॉन्टेक्ट एड्रेस लिखा हुआ है कि किस तरह करते हैं, वी अवेयर ऑफ फेक पैनकेक्स वेबसाइट, तो ये वेबसाइट जो है फेक है, इसको आप ध्यान, जैसे मैंने आपको भी मॉर्निंग में जो लवली का वीडियो डाला है कि भाई ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, तो यहाँ पे देखो बीएनबी पे को इन्होंने हार्ट बना के दिया है, टुगेदर वी ग्रो, यानी कि भैया हम सब साथ बढ़ेंगे, जो हुआ हुआ उसको भूल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बीएनबी पे के बारे में इन्होंने मीडियम पे लिखा है कि भाई हाई बीएनबी पे नेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल द पेशेंस दिस वीक, भैया धैर्य रखने के लिए धन्यवाद इस हफ्ते, वी स्पोकन टू मैनी इंटरेस्टेड पार्टीज दिस वीक, कहने का मतलब ये बहुत सारी पार्टी करने वाले थे या कहीं मीटिंग्स होने वाली थी किसके साथ, इन्वेस्टर पार्टनर्स और स्टेक होल्डर एंड इवन बिटमार्ट देमसेल्फ, बिटमार्ट के साथ भी वी हैव आल्सो डन लॉट ऑफ रिसर्च, तो कहने का मतलब ये काफी सारा कुछ करने वाले थे, एंड आफ्टर केयरफुली डिलिब्रेशन वी आर वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस फॉलोइंग डायरेक्शन ऑफ द टेकिंग आवर। यहां पे देखिए ये सारा कुछ ये करने वाले हैं, यहां पे आप देख सकते हो कि भाई माइग्रेशन करने नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद अपग्रेड ब्रिजिंग कैपेबिलिटी, तो कहने का मतलब है भैया ये कुछ नया लाने वाले हैं, क्यों, क्योंकि ये जो हैकिंग हुई है इसकी वजह से ये सब नया चेंज करने वाले हैं। और यहां पे देखो पेंडिंग करने वाले कहां, इथेरियम और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे, तो ये बहुत बड़ी बात है जहां से अभी इस ब्लॉकचेन पे ज्यादातर टोकन कहे या कि कोई लोग भरोसा नहीं कहे, या देखे सब कुछ अभी नया है और अब जो होने वाला है सब कुछ वेब 3 पे होगा,
तो ये ध्यान रखिएगा, अब जो होगा वो बड़ा ही स्ट्रांग होगा और कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करेगा। अब यहां बता रहे रीब्रांडिंग करेंगे पेबोल्ट। अब पेबोल्ट क्या है आप सोच रहे होगे, मैं बता दूं आपको, बीएनबी पे अब पेबोल्ट हो गया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। मान के चलिए आप 2-3 दिन में ये अपना काम करने लगेगा बिटमार्ट पे, बट प्रमोटर्स को चाहिए कि इसके बारे में थोड़ा सोचें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और काफी सारे चैनल्स को प्रमोट करें या मार्केटिंग इवेंट करें, क्यों बीएनबी पे अपना नुकसान कर लेगा इस बात को लेकर। और अनाउंसिंग मल्टी चेन आईडियो और पेबोर्ड, तो कहने मतलब बहुत सारा ये मल्टी चेन दिया है, माइग्रेशन टू न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो अब कहने का मतलब ये है कि भाई न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्यों, अब यहां पे वही बात हो रही है साफ साफ। देखो इन्होंने लिखा है कि भैया हमें जितना नुकसान हुआ है हैकिंग की वजह से, तो सो हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब क्या करेंगे, हम लोग नया माइग्रेशन कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के साथ। तो अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जितने जो आपके टोकन थे अगर तो उतने ही रहेंगे, नए टोकन आपको उतने वापस मिल जाएंगे। उसका प्रोसेस आ जाएगा कि कैसे वो टोकन आपको मिलेंगे, तो उस पर मैं एक सेपरेट जो मीडियम का इन्होंने लेटर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके आराम से पढ़ लीजिएगा। एक्सपेंडिंग ब्लॉकचेन बताया हुआ बाकायदा सारी बातें। तो कहने का मतलब ये है कि भाई प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने टोकन का या अपने वॉलेट का कोई भी एड्रेस शेयर मत करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिन और मार्केटिंग टीम की तरफ से एक छोटा सा मैसेज है, वो हम लोग देख लेते हैं, सिंपल इंग्लिश में है, देख लीजिए। तो इनका कहने का मतलब था कि इन्होंने बता दिया है कि बीएनबी पे जो है वो पेबोल्ट हो चुका है, तो बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप बीएनबी पे में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको करंट रेट के हिसाब से, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, करंट रेट के हिसाब से उतने ही आपको पेबोल्ट मिल जाएंगे, तो डोंट वरी, इतना टेंशन लेने की जरूरत। तो दोस्तों ये बीएनबी पे का जो है ऑफिशियल इंडियन पेज है, या कहें कि इंडियन ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेबोल्ट ऑफिशियल इंडियन और फॉर्मली बीएनबी पे। तो कहने का मतलब इन्होंने अपने पेज का नाम या कहें कि ट्विटर हैंडल का नाम चेंज कर दिया है, बट बीएनबी पे का मेन ट्विटर हैंडल था वो नहीं चेंज हुआ है, उसमें जल्द से जल्द चेंज हो जाएगा जिस दिन कोई ऑफिशियली न्यूज आएगी। तो ये सारे लिंक इन्होंने दे दिए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीएनबी पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो दोस्तों अगर आपने भी बीएनबी पे को बाय किया था तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके टोकन सेफ है यहाँ। तो दोस्तों अगर आपके पास बीएनबी पे था तो आपको पेबोल्ट मिल जाएगा, और अगर अभी भी आपका बीएनबी पे सलामत है आपके वॉलेट में तो भी ये पेबोल्ट आपको मिल जाएगा, आप उससे माइग्रेट कर सकते हैं। तो उसका जी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो बस यही एक अपडेट देनी थी दोस्तों, एकदम सतर्क रहिए, आप क्रिप्टो में है यानी ध्यान रखिए, अगर आपसे छोटी सी छोटी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। तो बस प्लीज दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।